हम शहर के लोगों का सबसे बड़ा इशू यह है कि हमें तैबंद से बड़ी घबराहट होती है, हमें तैबंद बांधने की आदत नहीं है। गांव गोट के लोग तो घर में भी तैबंद बांध रहे होते हैं, उनको एहराम को प्रॉब्लम ही कोई नहीं होता। तो तैबंद से अगर आपको आदत हो गई ना तो आप एहराम फ्रेंडली हो जाओगे। सबसे बड़ा इशू हम लोगों का, शहर वालों का, वो ये कि हम तैबंद कैसे बांधें। तैबंद कंट्रोल करने करने में उनका जो ना टेंशन रहती है। तो एक बार सही तरीके से आप ये एहराम का जो नीचे वाला हिस्सा बांधने का है, तैबंद बांधने का तरीका सीख लो, आपका हज आसान हो जाएगा। हज किरान करना है ना तब भी हो जाएगा, लेकिन जब एहराम सही बांधना हो। अब एहराम ही संभालते रहोगे तो दिल होगा यार कब उतरेगा एहराम। मुझे बड़ा बाजू का तो अजीब लगता है, लोग बार बार ये पूछते एहराम उतरेगा कब। मैंने कहा पहले रोते थे एहराम पहनूंगा कब, है या अल्लाह मौका दे मैं एहराम पहनूं। जैसे ही एहराम पहना अब टेंशन ये उतरेगा कब। अरे भाई रिलैक्स रहो, जल्दी किस बात की है। तो एहराम सही बांधना सीख जाएंगे तो आपको इसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो पहले मैं तैबंद बांधने का आपको तरीका बता रहा हूं। तो अब आपने पहले तो चेक ये करना है कि ये एहराम मेरे साइज का भी है कि नहीं। तो इसका तरीका ये कि आपने अपनी नाफ के ऊपर ये वाला बिल्कुल कोई बल ना हो रख के चेक कर लें कि ये आपके पैरों के नीचे तक जा रहा है या पैर तक टच हो रहा है, इसका मतलब इसका साइज ठीक है। ऐसा ना हो कि आप नाफ पे रखें और अभी से शुरू से ही आपके टखनों के ऊपर है तो ये आपके लिए साइज थोड़ा है। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अब करना ये है, ये दोनों चादरें आपने इसके किनारे मिला लेने, ठीक है, और कोई इसमें ऊपर बल ना रहे। इन दोनों किनारों को आपने मिला लिया। अच्छा अब इस तरफ से थोड़ा सा इसको टाइट कर ले, जितना टाइट करना है आप टाइट कर ले, ठीक है। अब इन दोनों को वापस अपने हाथों से यहां पर ले आए। अब इसके बाद दोबारा जो है इसको यहां ले आए, यानी इसको फ्लैप कर रहे हैं आप, ठीक है ना। और अब आपकी मर्जी है एक बार दो बार, क्योंकि एहराम भी बेहतर है कि टखनों से ऊपर हो, तो फिर थोड़ा अगर बड़ा है तो चार बार कर ले। अब मिसाल के तौर पर यह मैंने इसको चार बार फोल्ड दिया ना, अब ये इतना अच्छा बंधा है कि मुझे बेल्ट की हाजत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और गलती जो हाजी कर जाते हैं या गलती उमरा करने वाले कर जाते हैं, अभी चूंकि मैं तरबियत कर रहा हूं तो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन जब आप एहराम पहनेंगे तो जिस्म पर और कोई कपड़ा नहीं होगा, कोई अंडर गारमेंट, कोई अंडरवेयर वगैरह कुछ भी आप नहीं पहनेंगे, ठीक है। मर्द जब एहराम पहनेगा तो उसके जिस्म पर बेसिली चादरें ही होंगी, सर पर टोपी इमामा भी नहीं होगा, ये ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब आपने जब ये एहराम पहना ना तो आप जाहिर है इसके नीचे तो कुछ भी नहीं पहना है, तो अब इस ये जो फ्लैपिंग की हमने इसको घुमा के जिस तरह बनाया है ना, इसका फायदा ये कि अगर हवा भी आई ना तेज तो ये अगर उड़ी भी चादर तो आपकी सितर आपका जो जिस्म है वो छुपा रहेगा, बेपर्दगी नहीं होगी। तो हमने एहराम जब इस तरह बांधते तो उससे एक तो चलने में बड़ी आसानी रहती है, दूसरा पर्दा भी रहता है, तीसरा ये कंट्रोल भी रहता है। अच्छा ये मैंने सिखाया ना तो आप मुझे शायद 50 सेकंड लग गए होंगे, एक मिनट लग गया होगा, लेकिन अगर मैं खुद बांधूं या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 30 सेकंड में भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, आपकी आदत ऐसी बन जाएगी कि आप बिल्कुल आसानी से बांध लेंगे। अब बेल्ट ना भी पहने तो आराम चलेगा। अच्छा कुछ हाजी गलती क्या करते हैं, क्योंकि घर में तौलिया बांधने की आदत है नहाने के बाद कुछ लोगों की, तो वो आराम तौलिया की तरह बांध लेते हैं, अब यूं बांध रहे होते हैं। जब अब यूं आराम बांध लोगे तो आप तो अपने आप को कैद कर बैठे, अब तो आप ज्यादा चल भी नहीं सकोगे और फिर संभालते रहो उसको, तो ये इस तरह ना बांधें। बांधना तो ठीक है हो जाएगा बांधना, लेकिन आप टेंशन में रहोगे। तो एहराम फ्रेंडली बनने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं कि अगर हज में कुछ दिन है ना तो अकेले कमरे में रात को जब मौका मिले आपका बेडरूम हो तो आप तहबंद बांधकर सोना शुरू कर दें। आप 5-7 दिन अगर तहबंद के साथ वॉशरूम जाना घर आराम करना सीख गए ना तो फिर आप एहराम के अंदर बड़े ईजी हो जाएंगे, क्योंकि आपको वहां जाके प्रैक्टिस नहीं करनी होगी, आपने इधर ही प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है ना। आप कहे यार वो फिर तैबंद यूज हो जाएगी तो मुझे वहां के, तो कोई बात नहीं, इस तैबंद को यहीं छोड़ दे, नया एक हराम और लेके वहां चले जाए, लेकिन अच्छी नीयत के साथ इसकी प्रैक्टिस कर ले तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा अब बेल्ट कई किस्म के आते हैं, लेकिन अगर इस तरह का बेल्ट जो ट्रेवलर बैग बेल्ट कहलाता है जिसमें जेब होते हैं, ये बेल्ट बड़ा आसान रहता है, तो इसको बांधना बड़ी बड़ा आसान है, पीछे इसका क्लिप होता है और इसमें आप अपना मोबाइल फोन, अपने जरूरी कागजात या कोई थोड़े बहुत पैसे भी रख सकते हैं। इसमें भी एक मशवरा दूंगा कि हज पर जा रहे हैं तो दो मोबाइल ले जाएं, अगर आपके पास स्मार्टफोन या कीमती फोन है तो उसके साथ एक छोटा फोन भी ले जाएं, जो आप हरम पाक में जाने आने के लिए, मिना अरफात में, दीगर जगहों पर आपके पास वो भी फोन हो, क्योंकि बाजुकात बेल्ट में लोग रखते हैं और बेल्ट उठाकर रख देते हैं कहीं वजू खाने पर और कीमती फोन भी चला जाता है, या अपने पूरे सफर की सारी करेंसी इसी बेल्ट में रखते हैं। ऐसा भी ना करें, अपनी ज्यादा पैसे वगैरह हैं वो होटल में ही रखें,
बैग के अंदर रखें, इसमें तो जरूरत की 25-50-100 रियाल रख लिए, कुछ खाने पीने की जरूरत पड़ी, हाँ अपने होटल का कार्ड जरूर डालें, अपने मौलिम का कार्ड जरूर डालें, ताकि खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो पता चले कि आप कहाँ थे, किसके मौलिम के हाजी हैं, तो रब्ता करना आसान हो जाए। आपके साथ बच्चे और फैमिलीज हों तो उनके जेब में भी आपने होटल का कार्ड भी और मौलिम का कार्ड जरूर रखना है, ताकि वो बिछड़ जाएं तो उनको कोई उस एड्रेस पर पहुंचा सके। अब ये ऊपर की चादर जो है तौलिए की है, और इसको भी आपने उसी तरह चेक कर लेना है कि ये मेरे साइज की है कि नहीं। तो साइज थोड़ा सा इसका बड़ा होना चाहिए, ताकि उसका फायदा ये होता है कि ये आपके नमाज वगैरह में, रुकू वगैरह में आपके लिए आसानी रहे। तो इसको चेक करने का तरीका ये कि ये एक बार चक्कर पूरा घूमकर कम से कम यहां तक आ जाए। तो ये जो चादर है ये मेरे लिए ठीक है, मेरी साइज के लिए ओके है कि यहां तक घूम के आ गई है। तो अब जब यहां तक आ गई है ना, तो अब ये मैं जब रुकू करूंगा ना तो ये गिरेगा नहीं। वरना नॉर्मली क्या होता है कि अगर अहराम यही खत्म हो गया तो जितनी बार आप नमाज पढ़ेंगे वो नीचे आता रहेगा, फिर आप ऊपर करते रहेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहती है। तो बेहतर ये कि अहराम इतना हो कि यहां से पूरा चक्कर घूमकर आपके ये वाले कंधे पर ये दोबारा आ जाए, तो अब आप बड़े सुकून से इंशाल्लाह अहराम पहन लेंगे। तो ये हमने अहराम पहन लिया। अच्छा, अब इसमें कुछ बेएहतियाती बाज़ुकात हाजियों से हो जाती है, चूँकि प्रैक्टिस नहीं होती। अब मिसाल के तौर पर आपने अहराम पहना है और नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे अल्लाह अकबर, अब अभी तो मैंने कुर्ता पहना है, अगर कुर्ता ना पहना होता तो पेट मेरा नज़र आता, सीना नज़र आता, तो जब नमाज पढ़ते हैं तो ये पूरा जिस्म नज़र आ रहा होता है, ये बेहतर नहीं है। इसका बड़ा प्यारा तरीका अमीर अहले सुन्नत ने सिखाया था कि जब आप अहराम में नमाज पढ़ रहे हों अल्लाहु अकबर, इंशाल्लाह सीना और पेट जो है आपका ये ढका रहेगा। और मैं आपको सही बताऊँ, अभी तो अहराम पहना है सिखाने के लिए या सीखने के लिए, मगर जब अहराम वाकई इंसान पहनता है, जब उसके जिस्म पे और कोई लिबास नहीं होता, और अहराम में एक्चुअली एक मैसेज भी है कि एक वक्त आएगा मेरे सारे कपड़े उतार कर मुझे कफन पहना दिया जाएगा, तो ये अहराम की चादरें हमें उस सफ़र की भी याद दिलाती हैं। और जब बंदा अहराम पहन लेता है ना, और फिर उसके बाद जब वो लब्बैक पढ़ता है, और जो उसकी कैफियत बनती है, ये अल्फाज में बयान भी नहीं किया जा सकता। हम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि हमें हकीकी मानों में अहराम पहनना, लब्बैक पढ़ना और अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाए।